और आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स ने रूट मार्च किया है। सिधारी थाना क्षेत्र के सागर बाजार में शुक्रवार को भारी संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स ने रूट मार्च किया। आगामी चुनाव की तैयारी में जुटा पुलिस प्रशासन रूट मार्च कराकर जनता को शांति, सुरक्षा, कानून व्यवस्था का संदेश देने का काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा के बाद सभा रैली करने पर रोक लगी। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में किसी को बैनर, पोस्टर, झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए आदर्श आचार संहिता का पालन करने की कड़ी में जनता को यह बताने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस बल के जवानों ने कस्बा सिधारी, शाहगढ़, समेदा, चंदेश्वर, छतवारा सहित अन्य जगहों पर पैदल रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित किया जा रहा था कि कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क लगाएं और कोविड संक्रमण से खुद को बचें और फैलने से भी बचें। इसके खिलाफ कोई भी पाया गया तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।